तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टिल लाइफ पेंटिंग। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो स्टेडलर की जो पेंसिल है, तो ये 700 रुपीज़ का है और एक पेंसिल है 100 रुपीज़ का पड़ता है। तो स्टिल लाइफ पेंटिंग जो कि बिगिनर के लिए मैं इजी करके किया, तो ये बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर पूरा ये वीडियो देख लेते हो तो आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हम यहाँ पे एक बास्केट ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ मैंगोज और बनानास है। तो इससे एकदम सिंपल सा स्टिल लाइफ पेंटिंग है, तो इसे हम देख के धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे। और पहले हमने बास्केट को ड्रॉ कर लिया क्योंकि वहाँ पे पहले ड्रॉ कर लिया, फिर मैं मैंगोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगा के जो कितना बड़ा या कितना छोटा करना है वो आपको देखना होता है। जैसे कि मैंने एक मैंगोज़ को ड्रॉ किया जो एक मैंगो के बराबर नीचे की जो पोर्शन है वो भी सेम है। तो इस तरह से आपको आइडिया लगाना पड़ता है जो इसकी जो साइज़ कितना बड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक मैंगो की साइज़ नीचे की झूरी की साइज की बराबर है, तो मैंने थोड़ा सा माप कर लिया। तो इस तरह से आपको आउटलाइन कर लेना है, देख सकते हो मैं कर रहा हूँ। लाइव पेंटिंग अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो एक फ्रूट को ड्रॉ कर लो, जैसे कि कोई मैंगोज क्या कुछ बनानास, क्या अब एक जो फुलदानी वगैरह भी फ्लावर फेस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में फ्लावर फेस ड्रॉ कर सकते हो, कुछ चेयर या टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो छोटा छोटा चीज़ जो होते हैं ना उसे आप स्टिल लाइफ में प्रैक्टिस करो तो आपको देखोगे आप जो रियलिस्टिक सा ड्राइंग करते हो स्केच में काफ़ी हेल्पफुल हेल्प मिलता है। तो इस तरह से आपको पहले स्टिल लाइफ पेंटिंग आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है अगर आप बिगिनर हो तो। फिर अगर आप अच्छी तरह से स्टिल लाइफ प्रैक्टिस कर लेते हो फिर आप पोर्ट्रेट पे जा सकते हो। लेकिन पोर्ट्रेट में प्रॉब्लम एक होगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको कोई मॉडल नहीं मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा पेंसिल से मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होते है। अगर आप साइज वगैरह ठीक से नहीं करोगे तो आपकी जो स्टिल लाइफ पेंटिंग है वो बेकार हो जाएगा। पोर्ट्रेट में भी सेम है, तो आपको आईज़ वगैरह नोज़ वगैरह की सारे माप वगैरह सही में लगाना होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं जो मॉडल को ज़्यादा देर तक बैठ के रखना पड़ेगा, तो काफ़ी कोई भी एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए एक मॉडल समझ सकते हो हायर करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आप कर सकते हो कुछ पिक्चर्स देख के आप ड्रॉ करो पहले, फिर अगर आप जब कॉन्फिडेंस आ जाए हाँ कर सकता हूँ फिर जाके आप स्टिल लाइफ पोर्ट्रेट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं स्टिल लाइफ पेंटिंग कर रहा हूँ। तो पहले भी मैंने बहुत सारे इस तरह की पेंटिंग हमने किया है देख सकते हो, और पोर्ट्रेट अभी तक मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम होता है, कोई भी इंसान को बैठा के रखेंगे तो भाग जाएगा। तो मैंने इसीलिए पोर्ट्रेट में क्या करता हूँ, मैं जो पिक्चर्स देख के ही अभी मैं फ़िलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ। पर मैं फ्यूचर में मैंने सोचा है अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं फिर जाके हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा है जो लाइव किसी को बैठा के हम ड्रॉ करेंगे, तो पहले 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए फिर हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तो ना सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो फिर पहले हम पोर्ट्रेट जो है पिक्चर्स देख के ही प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टिल लाइफ में बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आई होप आपको एक जो बिगिनर्स है उसे हम सही से सिखा पाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा मैं जो प्रैक्टिस करके अचीव किया तो आपके साथ भी मैं वो शेयर कर देता हूँ, ऐसे भी आपको भी कुछ हेल्प हो जाएगा। और जैसे कि कोई भी ज्ञान अगर बांटते हो तो कमता नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए हमने यूट्यूब पे भी आपको मैं जो सीखता हूँ आपको भी सिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैंने सोचा है कि जो भी बिगिनर से वो लंबा वाला वीडियो ही पसंद करते हैं, तो हमने सोचा छोटा क्यों दे लंबा वीडियोस, जो पूरा वीडियोस हमने एकदम अच्छी तरह से समझ जो बिगिनर से वो अच्छी तरह से समझे ऐसे ही बनाया है। तो हर संडे ऐसे ही ट्यूटोरियल आपको मिलेगा। तो इस संडे हमने बहुत जल्दी था तो हमने स्टिल लाइफ पेंटिंग आपको प्रैक्टिस किया, तो इसे हमने ड्राइंग करने में 1 आवर्स लगा। तो ऐसे ही जो अगर आपको थोड़ा जल्दी में कुछ ड्रॉ करना है स्टिल लाइफ कर लो,
यार वैसे भी एक कम पोर्ट्रेट पे मैं वाटर कलर पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आने वाले टाइम पे वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ हर मीडियम पे ड्राइंग करने का, और मैं खुद सीख के आपको भी सिखाता हूँ। एक्रोलिक, ऑयल कलर, वाटर कलर, मैं सारे मीडियम पे ड्राइंग प्रैक्टिस में करता हूँ, क्योंकि एक ही मीडियम पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बाकी की जो आपकी जो नॉलेज है वो नहीं होगा। तो एक ही मीडियम पे कुछ कुछ आर्टिस्ट सिर्फ स्केच ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप स्केच करो लेकिन बाकी की चीज़ें भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये स्केच करोगे तो वाटर कलर आप नहीं कर पाओगे। देख सकते हो इस तरह से आपको आउटलाइन करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टिल लाइफ पेंटिंग में एक चीज़ आप देखोगे, पहले जो पिक्चर से उसे अच्छी तरह से नोटिस करो, हो सके तो 5-10 मिनट आप अच्छी तरह से पिक्चर्स को देखो, धीरे धीरे ऑब्जर्व करके ड्राइंग करो, धीरे धीरे आपका स्किल बढ़ेगा, फिर जाके आप अच्छी तरह से स्टिल लाइफ कर पाओगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो ऐसा गलती होते है तो भी आप करो। एक्यूरेट आपको जो इमेज में देखते हो वो नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है आप ड्राइंग नहीं करोगे, तो जैसे आया होगा आप खुद की इमेज सबके लिए अच्छा लगा, अच्छा होगा। क्योंकि मैंने जो ड्राइंग किया वो ऐसे भी सेम टू सेम जो स्टिल लाइफ में वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो एक एक्चुअल है, एक बास्केट और बनाना और जो मैंगोस, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सोचना होगा, क्योंकि कुछ भी गलती होता है तो ऐसा नहीं है आप ड्राइंग नहीं करोगे। एक बार में आप सब मतलब एक ही बार प्रैक्टिस में पूरा चीज़ आप नहीं ले आ पाओगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको चीज़ों को सीखना होगा। जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारा स्टिल लाइफ पेंटिंग किया, तो अभी जो मैं कर पा रहा हूँ अच्छी तरह से, तो आप भी कर पाओगे। तो इस तरह से आप भी स्टिल लाइफ कुछ पेंटिंग करो, देखोगे आप भी कर पाओगे। तो ये ट्यूटोरियल मैंने दिया आपको जो बिगिनर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की ट्यूटोरियल यूट्यूब में सर्च करते हैं, ऐसे भी कुछ ट्यूटोरियल मुझे नहीं यूट्यूब में देखने को मिलता है। तो आपको प्रॉपर जो नॉलेज मिले ऐसे लिए हमने इस ट्यूटोरियल को बनाया, एकदम धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ जो आपको समझ में आए। तो इस तरह से आपको भी ड्राइंग कर लेना है, एकदम सिंपल सा एक बास्केट है, ये जो बास्केट को हम ड्रॉ कर रहा हूँ देख सकते हो। और यहाँ पे मैं जो पेंसिल यूज़ किया जो स्टेडलर का, तो थोड़ा सा महंगा वाला, तो आपके पास ये नहीं होगा तो आप जो भी अप्सरा वगैरह जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हो, पेंसिल में कुछ ऐसा खास नहीं है, देख सकते हो। तो आपके पास जो पेंसिल है आप वही यूज़ करो। तो ऐसा नहीं ड्राइंग मटेरियल अगर आपके पास अच्छा हो तो अच्छा ड्राइंग होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं भी एक अप्सरा पेंसिल से 4 या 5 ईयर्स तक हमने अप्सरा से ही प्रैक्टिस किया, अभी जाके मैं थोड़ा सा यूट्यूब से अर्निंग हुआ, फिर जाके मैं जो ये पेंसिल ले पाया। तो ऐसा नहीं है आप शुरुआत से ही आप अच्छी पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो अच्छा होगा, आपके पास जो है उसी से अगर आप अच्छा ड्राइंग बना लेते हो तो आप अच्छे आर्टिस्ट हो, नहीं तो क्या बोले। तो जैसे ही आपके पास जो है उसी से आपको अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, देख सकते हो एकदम सिंपल धीरे धीरे ड्राइंग कर रहा हूँ, आपको समझ में आया ऐसे ही। और यहाँ पे पास में जो इमेज देख रहे हो तो उसी को हम ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इमेज है वो मेरे डिस्टेंस मतलब जो बास्केट है, फ्रूट बास्केट बोल सकते हो, वो मेरा हाथ का मतलब 2 हाथ दूरी में है, तो 2 हाथ मतलब 2 हाथ दूरी में है, मतलब समझ सकते हो उतना भी दूर में नहीं है। तो थोड़ा सा पास में ही मैंने रख के इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे जो एंगल नहीं ट्राइंगल पे मैं रखा था, तो उसी एंगल पे जो मैं जो दिख पा रहा हूँ उसी को हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे एक अलग अलग एंगल पे जो इमेज है वो अलग अलग दिखेगा, तो कोशिश करना आप जो इमेज है वो एक ही ड्रेस मतलब एक ही जगह पे रख के उसी जगह पे आप बैठ के ड्रॉ करो, बार बार इधर उधर करोगे ना तो आपको इमेज ख़राब हो जाएगा। स्केचिंग जो देख सो शेडिंग अभी कर रहा हूँ, तो शेडिंग आपको थोड़ा सा स्पीड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि शेडिंग जो होते हैं वो बोरिंग वाला चीज़ हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है वो, आपकी उतना बड़ा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 1 आवर्स का वीडियो तो आप देख नहीं पाओगे ना, तो देखने के आप देखोगे भी नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ा सा आपको स्पीड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि
उसमें आपको दिखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो शेडिंग है, पहले हमने थोड़ा सा HB पेंसिल से शेड दिया, उसके बाद 4B से थोड़ा सा डार्क किया, और ज़्यादा डार्क के लिए आप 8B या 4B 6B कर सकते हो। तो HB और 4B और 6B, ये तीनों पेंसिल से अच्छा शेडिंग आप कर सकते हो। और शेडिंग में एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो, जो भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है मिटा के दोबारा आप ठीक कर लेना। तो शेडिंग प्रोसेस में एक चीज़ है, जो गलती है वो आप दोबारा से थोड़ा सा थोड़ा 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 गलती होता है तो उसे आप मिटा के ठीक कर सकते हो। तो जो आप शेडिंग कर रहे हो उसमें आप जितना टाइम लगाओगे उतना बढ़िया होगा। अब मैंने यहाँ पे 1 आवर्स लगाया, तो आप अगर यहाँ पे 2 आवर्स लगाते हो तो और भी रियलिस्टिक बनेगा। मतलब जितना आप स्लो करके आप मतलब शेडिंग दोगे ना, उतना आपका जो पिक्चर रियलिस्टिक बनेगा। तो आप जितना आपके पास पैसा है, मतलब जितना आपके पास टाइम होगा उतना अच्छा बनेगा। ये चीज़ मैंने हमेशा ही देखा है। तो ज़्यादा जल्दी में ड्राइंग नहीं करो तो ही बेटर होता है। देख सकते हो हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को सेव किया, थोड़ा सा हमने जल्दी किया क्योंकि 1 लेयर और 2 लेयर में काम को ख़त्म किया। देख सकते हो, तो ऐसे नहीं ख़राब बना। तो अगर आप कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था इस साइड में, थोड़ा सा मिटा के हमने दोबारा जो है ठीक कर दिया। फिर मैं दोबारा शेडिंग कर रहा हूँ, अभी देख सकते हो। इस तरह से आप शेडिंग को करो तो ज़्यादातर आपको बस 3 पेंसिल से काम हो जाता है। तो आपके पास 2B 4B 6B, इस तीनों पेंसिल से आप अच्छे शेडिंग कर सकते हो। जब मैं छोटा था ड्राइंग करते थे तो ये तीनों पेंसिल यहाँ हमारे यहाँ पे मिलते थे, तो तीनों पेंसिल से हमें काम चलाना पड़ता था। तो अभी तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो सारे ड्राइंग मटेरियल ऑनलाइन पे इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आप गांव वगैरह पे रहते हो तो आपको पता होगा ज़्यादा ड्राइंग मटेरियल नहीं मिलता है। तो जो भी मेरे गांव की जो व्यूअर्स है उसे हम बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी गांव में हूँ तो मैं ज़्यादा ड्राइंग मटेरियल से ड्राइंग मैंने नहीं सीखा। मेरे पास एक अप्सरा का पेंसिल से मैं स्टार्ट करके सीखा है। तो अभी तो ऑनलाइन से मैं मंगा लेता हूँ। तो आपके पास जो भी ड्राइंग मटेरियल है उसी से अच्छा ड्राइंग बन सकता है, ये हमेशा ही मैं आपको बोलता हूँ। तो देख सकते हो, तो आने वाले टाइम पे एक अप्सरा से भी आपको ड्राइंग करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, फाइनली हमने यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको स्पीड पे दिखा रहा हूँ। तो जो भी बिगिनर से अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो आई होप आपको स्टिल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप भी इस तरह से छोटा छोटा जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आप ड्रॉ करो। पहले फ्रूट्स को करो, फिर फ्लावर वेस जो है उसे करो। तो छोटा छोटा जो भी जो है बोतल वगैरह है, वो ब्रीफ्स जो ईंट बोलते हैं ना, ईंट को कर सकते हो। तो बहुत सारे छोटा छोटा ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा तो उसे आप ड्रॉ करो। तो आप देखोगे धीरे धीरे आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो देख सकते हो, अभी हम मैंगोस को जो है सेट दे रहा हूँ। तो पहले मिक्सिंग के लिए हमने थोड़ा सा जो जो उंगली से ब्लेंड कर दिया, तो थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है इससे। तो मैंने यहाँ पे एकदम लाइटली जो है किया, ज़्यादा डार्क करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले ही बताया मैंने, थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम बचेगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो देख सकते हो, ऐसा नहीं जो भी है, मुझे जो एक अच्छा रिजल्ट ले आना था। तो मैंने देख काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा जो है बना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसे देखने के। तो इसे जो भी आप जो अगर मेरा फेसबुक पेज पे अगर आप देखोगे, मैं पहले ही फेसबुक पेज में जो है इमेज में शेयर कर देता हूँ जैसे ड्राइंग आने से पहले। तो अगर आप फेसबुक पेज पे अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। पहले जो इंस्टाग्राम पे अपडेट आ जाता है कोई भी ड्राइंग में कर लेता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर देता, मतलब पिक्चर्स को दे देता हूँ। फिर जाके 2-3 दिन बाद शायद ये वाला ट्यूटोरियल आएगा, तो इंस्टाग्राम पे पहले आ गया था, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। तो ये वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट वीडियो देंगे, तो वाला जाके देख लेना। तो हर तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पे बनाता हूँ जो कि बिगिनर के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मैंने इतना साल तक ड्राइंग सीखा, जो मैं सीखा वो आपको भी सीखने को मिले। तो
जैसे ही है मैं सारे हर तरह की ड्राइंग आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैं सीखता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो हम वाटर कलर से एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने थोड़ा सा मतलब बाकी है तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट संडे से पहले हम कोशिश करेंगे, वो वीडियो आपको दे देंगे पोर्ट्रेट वाला। और जो भी है, हर संडे मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो संडे ड्राइंग ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है वो जाके आप देख लेना। तो आसान ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना। तो जैसे कि मैं 9 AM वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको सबको बेल आइकन प्रेस करके रखना है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप न्यू हो तो क्या कर रहे हो, वीडियोस को लाइक करो अच्छा लगता है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करो जो ड्राइंग सीख रहे हैं, ऐसे ही लोगों को पास शेयर करना। जो ड्राइंग नहीं सीखता है उसके पास मत शेयर करना, क्योंकि फालतू शेयर करके क्या फ़ायदा। तो जो ड्राइंग सीखता है उसे आप दिखा सकते हो जो इस तरह की ड्राइंग सीखना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हो मैं फाइनली हमने ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। तो फाइनल देख सकते हो कैसा हुआ फ्रूट्स बास्केट। तो इस तरह से हमने ड्राइंग किया, आप भी प्रैक्टिस करो हो जाएगा। तो काफ़ी इजी ड्राइंग था और बिगिनर के लिए हमने इस ट्यूटोरियल बनाया है। तो अच्छा लगता है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।